दोस्तों, ये ओल्ड राजस्थानी स्नेह मिलन समारोह का मेन गेट है। देखते हैं दोस्तों प्रोग्राम आगे कितना अच्छा है। अभी आपको सबको दिखाते हैं। देखिए राजस्थानी लोग कैसे मिलन समारोह मनाते हैं। मैं भी एक राजस्थानी हूँ, मीना दोसा का रहने वाला हूँ। अब आपको दिखाते हैं दोस्तों, जा रहे हैं मंदिर से। ये दोस्तों एंट्री गेट है, इसमें दिखाते हैं आपको अंदर में दूसरा नंबर का। ये देखिए सर, भाई है मेरे दोस्त, मेरे मित्र है और दो चार मेरे रिश्तेदार भी हैं। तो मैं दोस्तों आपसे फिर निवेदन करता हूँ, आप सुख पीजिए, सुख पीजिए, बैठे बैठे आप खाना खा रहे तो खाना आनंद लीजिए चेयर पर बैठ कर। अगर कुर्सियाँ खाली है तो वो अच्छा नहीं लगता है। देखिए दोस्तों कुर्सियां खाली, नरेंद्र मोदी की सभा में मैंने एक बार देखी थी, मुझे वो भी अच्छा नहीं लगा। तो मैं यहाँ नहीं चाहता हूँ खाली रहे। बीजेपी को भक्त बन रहे कि मैं चाहता हूँ कुर्सी वाली सभा नजर आ रही थी, एक भी खाली ना रहे। सर उधर चलो बेटा, साइड में सामान लिया, उधर चलो आइए। हमारा हाथ जल्दी चलेगा तब आगे बढ़ेगा नहीं यार। मैं अभी इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए भाई साहब एक नाम जी को मजेदार करता हूँ, तो दो शब्द बोलकर वो अपने संबोधन यहाँ आप सभी के सामने होना वाला की जो टीम है जिसने इतना अच्छा प्रोग्राम आयोजित किया है, बहुत दिनों से लग रहा था कि अभी कभी सब लोग मिलेंगे नहीं, कोरोना बीच में आ गया था, कई अड़चने आई, लेकिन तलेगांव के छोटे से प्रोग्राम से हम लोगों ने स्टार्ट किया है और आज ये लगभग 250-300 तक पहुँच चुकी है। टिकट बॉक्स में मैं उम्मीद रखता हूँ जो कमेटी बैठी है मंच पे वो कुछ सोचे और इससे भी बड़ा कम से कम 1000 से 500 आदमी का एक सम्मेलन का आयोजन के लिए विचार विमर्श करें और ऐसे सम्मेलन होते रहने चाहिए। इससे मालूम लगता है कि हमारे समाज के लोग हम अकेले नहीं है, यहाँ पर भी हमारा समाज है, गाँव में तो है ही है, गाँव में भी हम जुड़े हैं, यहाँ भी जुड़ना बहुत जरूरी है। इसलिए ऐसे प्रोग्राम भविष्य में जरूर आयोजित होने चाहिए और लोनावाला टीम का मैं तहे दिल से स्वागत करता हूँ और धन्यवाद देता हूँ कि इतना अच्छा प्रोग्राम आप लोगों ने आयोजित किया। बार बार धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। और आपने जो बात कही है उस पर भी विचार विमर्श करेगी कमेटी और आपको आश्वासन देते हैं, वादा तो नहीं कर सकते, आश्वासन आपको दिया जाता है कि निकट भविष्य में या आगे के समय में हम आपके जो डिमांड्स है उसको पूरा करने की कोशिश करेंगे। चलो ठीक है, मंच की तरफ से आदेश मिला है कि भाई आश्वासन आपको पक्का दिया जाता है, तो अब आश्वासन नहीं, आप हमारा ये वादा है आपसे कि निकट भविष्य में हम आपकी डिमांड को पूरा करेंगे और इससे बेहतर एक और हम इसी प्रकार का एक समारोह का आयोजन करेंगे। और अब मैं इसी कड़ी में मंच से मैं मेरे पड़ोस की सीट पे, मेरे बाजू की सीट पे बैठे हुए भाई साहब सुरेश जी को आमंत्रित करता हूं। सुरेश जी को, भाई साहब को मैं आमंत्रित करता हूं कि अपने दो सब यहां आप सबके बीच में आपको संबोधित करें। सुरेश जी,